ब्रेकिंग बात, स्वागत है आपका। सीमा हैदर के पाकिस्तानी पति गुलाम हैदर के वकील मोमिन नेपाल पहुंचे हैं और वकील मोमिन काठमांडू के विनायक होटल पहुंचे हैं। ये वही होटल है जहां पर सीमा हैदर और सचिन ने रुकने की बात बताई थी। वकील होटल के कमरा नंबर 204 भी पहुंचे थे। इसी कमरे में दोनों ने रुकने की बात बताई थी। वकील का दावा है कि दोनों की शादी होटल में नहीं हुई। वकील मोमिन पशुपतिनाथ मंदिर के पुजारी से भी मिले हैं और वकील का दावा है कि पशुपतिनाथ मंदिर में शादी नहीं हो सकती। वकील के मुताबिक सीमा हैदर और सचिन मीना ने भारत में झूठ फैलाया हुआ है, लोगों को झूठी कहानी बताई जा रही है। कानपुर में पुलिस ने अवैध कब्जा करने वालों पर कार्रवाई की है। नगर आयुक्त जेसीबी लेकर दलबल के साथ मौके पर पहुंचे हैं और अवैध कब्जा हटाया है। ग्रीन बेल्ट नाला पर अतिक्रमण करने वालों के खिलाफ नगर निगम का ये सख्त एक्शन हुआ है। नगर आयुक्त के निर्देश पर अधिशांसी अभियंता ने अतिक्रमण करने वालों के खिलाफ संबंधित थाने में केस दर्ज कराया है। खबर कानपुर से ही, जहां पर पुलिस की आरोपी से मुठभेड़ हुई है और मुठभेड़ में आरोपी के पैर में गोली लगी है। देर रात को जो मुठभेड़ हुई है उसकी तस्वीरें आपको दिखाने जा रहे हैं। आरोपी का नाम मुकेश निषाद है। लूट के दौरान महिला घायल भी हुई थी। आरोपी ने बताया था ये पार्टी का स्थानीय नेता है। फतेहपुर में शॉर्ट सर्किट से चाय समोसा की दुकान में भीषण आग लग गई। इस घटना में दुकान में रखा सारा सामान, हजारों का सामान जलकर राख हो गया। आग लगने से आसपास की दुकानें भी अफरा तफरी यहां मच गई और इसकी चपेट में भी आई हैं, लेकिन फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पा लिया। नीट रिजल्ट के बाद दाखिल की गई 3 याचिकाओं पर आज सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई होने जा रही है। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की बेंच इस मामले की सुनवाई करने जा रही है। अलक पांडे ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल याचिका में नीट यूजी 2024 की परीक्षा प्रक्रिया और परिणामों की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में एक कमेटी बनाने की मांग की। याचिका में विशेषज्ञ समिति को नीट परीक्षा आयोजित करने की प्रक्रिया में सुधार लाने की मांग की गई। याचिका में नीट परीक्षा आयोजित करने की प्रक्रिया को और मजबूत करने की मांग की गई है, जबकि इसके साथ ही दूसरी याचिकाओं में नीट की परीक्षा को रद्द करने और काउंसलिंग पर भी रोक लगाने की मांग की गई है। यूपी पुलिस फुल फॉर्म में है और नोएडा और गाजियाबाद में पुलिस का एक्शन देखा जा रहा है। बदमाशों से लगातार मुठभेड़ हो रही है पुलिस की। ये दो तस्वीरें आपके सामने नोएडा और गाजियाबाद की है। नोएडा के थाना सेक्टर 39 में पुलिस की लुटेरे से मुठभेड़ हो गई। इस मुठभेड़ में 2 बदमाश घायल हुए। बदमाशों के कब्जे से 1,00,000 रुपये कैश, 1 मोटरसाइकिल, 2 तमंचे, कारतूस बरामद हुए, जबकि दूसरी मुठभेड़ गाजियाबाद में हुई है। मुठभेड़ में सलमान नाम का एक बदमाश, जिसके पैर में गोली लगी, पुलिस के हत्थे चढ़ चुका है। इसके कब्जे से ली गई है एक चोरी की बाइक, अवैध असला। खबर मुरादाबाद से है। यूट्यूबर पर गैंगरेप का मुकदमा दर्ज हुआ है। यूट्यूबर अब्दुल्ला पठान पर गैंगरेप का केस दर्ज किया गया है। गोरखपुर की युवती ने दर्ज कराया है मुकदमा। युवती अब्दुल्ला पठान के हॉस्पिटल पर काम करती थी। शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने का आरोप लगा है। वीडियो बनाकर ब्लैकमेल करने का भी युवती ने आरोप लगाया है। युवती के साथ अब्दुल्ला पठान ने रील्स भी बनाए हैं। यूट्यूबर अब्दुल्ला पठान सहित 2 नामजद, 1 अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है। इनके ऊपर आरोप लगाया है कि ये लोग यहाँ पे एक दवाखाना चलाते थे और इसी का झांसा देके इन्होंने एक महिला को गोरखपुर से यहाँ पे बुलाया और उसके बाद में उसको एक कमरे में यहाँ पर रखा। वहाँ उसके साथ में गलत काम किया और अपने दोस्तों के साथ में मिलकर उसके साथ गलत काम किया। इसी आरोप के ऊपर थाना कुंदर की मैं IPC की धारा 376(b), 313 और 506 का मुकदमा इसमें पंजीकृत किया गया है और इसमें 2 लोग हैं उनको नामजद किया गया है। एक अब्दुल्ला पठान है, एक अब्दुल्ला मलिक है, एक व्यक्ति है जो अज्ञात है। इस पर इन्वेस्टिगेशन की जा रही है, जो भी तथ्य इसमें प्रकाश में आएंगे उसी के आधार पर इसमें आगे की जो बड़ी कार्रवाई है।
इस बीच डीसीपी सिटी ने आगरा शहर के 31 पुलिस कर्मियों को सस्पेंड किया है। एक महत्वपूर्ण जानकारी आपको दे देते हैं, आज सुरक्षा के मद्देनजर शाम को बैठक भी होने वाली है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस बैठक की अध्यक्षता करेंगे, लेकिन दूसरी तरफ आगरा शहर के 31 पुलिस कर्मियों को सस्पेंड किया है। डीसीपी सिटी के पास इन सभी की शिकायत पहुंची थी, पुलिस कर्मियों पर अनुशासनहीनता और पीड़ितों से गलत तरीके से फायदा लेने का आरोप है। पासपोर्ट सत्यापन के मामले में 13 पुलिसकर्मी, जांच में लापरवाही के मामले में 2 पुलिसकर्मी, साइबर सेल के काम में लापरवाही बरतने को लेकर 12 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड किया गया है। गाजियाबाद से खबर, महिला यूट्यूबर पर एफआईआर दर्ज की गई है। गैर कानूनी वीडियो बनाने पर एफआईआर दर्ज की गई है। नवजातों के यौन शोषण से जुड़ी हुई वीडियो बनाती थी ये युवती। बाल संरक्षण और महिला आयोग ने इस पर संज्ञान लिया। मुकदमा दर्ज होने के बाद यूट्यूबर ने वीडियोस डिलीट कर दिए हैं। कौशाम्बी पुलिस ने युवती को हिरासत में ले लिया है।